मोर मकान मोर आस आवास योजना के तहत निगम भिलाई ने किराए के मकान में रहने वालों को अपना मकान देने की योजना बनाई थी, जिसके तहत मंगलवार को जिन हितग्राहियों ने मकान की पूर्ण राशि जमा करवा दी थी या जिन्होंने बैंक से फाइनेंस कराया है, उन सभी को स्थल पर ले जाकर मकान उनके सुपुर्द किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मोर मकान मोर आस योजना के तहत किराए पर निवास करने वाले लोगों ने अपने खुद के मकान के लिए आवेदन किए थे। उसमें से जिन लोगों ने इस मकान की पूर्ण राशि जमा करा दी थी, उन्हें मंगलवार को अपने खुद के मकान का आधिपत्य सौंप दिया गया। इस योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही अपने अपने मकान पाकर काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने अपने सपनों के घर के लिए भिलाई निगम परिवार को हृदय से धन्यवाद दिया है। मंगलवार को अविनाश मेट्रोपोलिस के परिसर में बने लगभग 10 मकानों को हितग्राहियों को आवंटित किया गया और उनका आवंटन पत्र सौंपा गया। अब यह लोग जो अब तक किराए के मकान में रहते थे, अब यह अपने स्वयं के मकान में निवास करेंगे। मुनव्वर हुसैन जी, आज आपको आपका सपनों का घर, सपनों का महल आपको मिल गया है जी। आज आवंटन हुआ है जी। घर आपने देखा, कैसा लगा बताएं? अच्छा लगा भैया, जैसा आपने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निगम ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी? नहीं। तो अब कब से रहेंगे आप? हम कल से आ जाएंगे। कल से आ जाएंगे। निगम को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निगम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारा घर बना के दिए हैं। मानिकपुरी जी, तो आपने घर के लिए अप्लाई किया था, आज आपको अपना घर मिल गया, तो जैसा सोचे थे वैसा है कि उससे ज़्यादा अच्छा है? निगम ने कैसा काम किया, कैसा घर दिया आपको? आज आपको अपना घर मिल गया है। सब कुछ इसमें चेक किया आपने? बिजली पानी बत्ती वगैरह, पानी वगैरह आ रहा है? नहीं, चेक करना है, चेक नहीं किया। अच्छा, बाकी घर में कोई टूट फूट या किसी प्रकार का कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग है इसमें? अच्छा, जैसे क्या है रिपेयरिंग? अच्छा, थोड़ा थोड़ा क्रैक है, ठीक है। बाकी आज आपको अपना घर मिल गया, खुश हैं? अविनाश मेट्रोपोलिस से मिला है। तो आपने घर के लिए अप्लाई किया था, जैसा घर आपने सोचा था वैसा ही है? हाँ, वैसे ही है। क्या कहना चाहेंगे निगम को इसके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पानी वगैरह चेक किए हैं? सब ठीक है, मतलब जैसा आपने सोचा था वैसा घर है ना? ठीक। आज आपको घर अलॉटमेंट हुआ है, आप हैंडओवर ले लिए हैं। बताएंगे जो घर आपने सोचा था, आपके सपनों का घर, घर कैसा बना हुआ है? ठीक बनाया है निगम ने? हाँ, बहुत अच्छा बना है। सोचे नहीं थे इतना अच्छा मिलेगा करके, उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा मिला। तो आज आपका अपना घर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ खुशी है? तो अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी है ना? तो जैसा बता रहे हैं कि आपने पूरा घर चेक किया? हाँ, चेक। पानी वगैरह सब आ रहा है? सब। कोई इसमें कोई असुविधा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। मौके पर मौजूद योजना शाखा के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने मोर मकान मोर आस योजना के तहत अविनाश मेट्रोपोलिस में हितग्राहियों को आवंटित किए हुए मकान का मुआयना भी किया और आवंटियों से यह भी पूछा कि इन बने हुए मकान में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी तो नहीं है, जिस पर आवंटियों ने सब कुछ ठीक होने की बातें कही हैं। विद्याधर देवांगन ने इस प्रक्रिया की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अविनाश मेट्रोपोलिस में आवास निर्माण किया गया है, पक्का आवास, जो किराएदारी के रूप में निवास कर रहे थे, इनको विधिवत आवेदन आहूत कराकर लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किया गया है और आज इनके द्वारा पूर्ण राशि जमा करने के बाद इनको आवंटित आवास का कब्जा प्रदान किया जा रहा है। बैंक से जो फाइनेंस किए उनको भी कब्जा दिया जा रहा है। कुल मिला के ये है कि जिनका पूर्ण राशि जमा हो चुका है उनके आवासों को तैयार कर पूरा रेडी करके उसको कब्जा देने का कार्रवाई चल रहा है। पैसे जो जमा किए हैं उनकी बात को पूछिए, 815 लोगों ने अभी 815 लोगों को राशि जमा जो किए हैं उन लोगों को कब्जा देना है। पूर्ण राशि जो जमा किए हैं ऐसे 149 लोग हैं, अभी 3709 मकान का निर्माण किया गया है। अभी किराएदारी में रहने से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई गई इस योजना के तहत जो मकान बनाए गए हैं वह काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, जिसे पाकर आबंटियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।